नमस्कार, मैं याज्ञवल्क और आप सुन रहे हैं एनपीजी ऑडियो बुलेटिन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोविड की वजह से ग्रीष्मकालीन अवकाश अब 10 मई से 5 जून तक रहेंगे। हालांकि इसकी पूर्व निर्धारित तिथि 17 मई से 11 जून थी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के ठीक बाद जारी ट्वीट में राज्यपाल धनखड़ ने राजधर्म का सबक भी दिया। राज्यपाल ने बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण, अभूतपूर्व, प्रतिशोधात्मक, हृदयभेदी हिंसा बताते हुए ऐसी घटनाओं को लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी बताया है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि कानून व्यवस्था का ऐसा ध्वस्त होना नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और न ही इसका समर्थन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा का खेल लगातार जारी है। मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब तक 17 नागरिकों की हत्या हो चुकी है। बीजेपी ने इनमें से 9 को अपना कार्यकर्ता बताया है, जबकि टीएमसी ने 7, वहीं एक अन्य को इंडियन सेकुलर फ्रंट का कार्यकर्ता बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा पर चिंता जताते हुए राज्यपाल से बात की है। वहीं इस मसले पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई है। कोरोना से जूझते भारत में नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। यह आंध्र प्रदेश में मिला है। इसे मिलाकर अब तक दक्षिण भारत में कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं। हालांकि इस नए स्ट्रेन को सबसे खतरनाक बताया गया है। इसे एपी स्ट्रेन और N440K नाम दिया गया है। सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दावा है यह भारत में मौजूदा स्ट्रेन से 15 गुना खतरनाक है। दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नेशनल इमरजेंसी करार दिया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के नोटिस पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा, हम मानते हैं कि केंद्र सरकार के अफसरों को जेल भेजने या अवमानना में आरोपित करने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन इस समस्या का हल क्या है? हम आपको 20 घंटे का वक्त देते हैं। दिल्ली को रोज 700 टन ऑक्सीजन देने का प्लान कल सुबह 10:30 बजे तक बताइए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा संभाग में 4 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इन 4 जगहों में अंबिकापुर के पास कालीघाट, बतौली, जशपुर के बगीचा और बलरामपुर का राजपुर शामिल है। हालांकि राज्य सरकार का यह दावा है कि ऑक्सीजन का पर्याप्त उत्पादन है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग में केवल 1 ऑक्सीजन प्लांट है, जो सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में है।